ग्रुप प्रोसेसेस ग्रुप प्रोसेसेस जो हैं वो ओवर क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोचेस का एक अहम हिस्सा हैं ग्रुप प्रोसेसेस किसको कहते हैं आइए देखते हैं ग्रुप प्रोसेसेस जो हैं जब बच्चे क्लास में ग्रुप वर्क या पेयर वर्क करते हैं और टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो इंटरेक्शन जो है इट रिक्वायर्स अ सर्टन ऑर्डर इसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रुप प्रोसेसेस हैं उनको सिखाया जाए आमतौर पर यह देखा गया है कि ग्रुप वर्क को बहुत ज्यादा एडवोकेट किया जाता है ग्रुप वर्क इज अ प्रिफर्ड टीचिंग टेक्निक इन द क्लासरूम बट वट हैपन्स इज दैट द टीचर डज नॉट गिव इंस्ट्रक्शन इन हाउ टू सिट इन अ ग्रुप एंड हाउ टू इंटर इन अ ग्रुप सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट ग्रुप प्रोसेस आर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स ग्रुप्स में कैसे बैठना है कितने तलब इलमों का ग्रुप होना चाहिए उसमें इंटरेक्ट कैसे करना है कब बात करनी है किसने कब बोलना है ये तमाम तरीके जो हैं ये उस्ताद को पहले सिखाने चाहिए ग्रुप वर्क करने से पहले अगर ग्रुप वर्क नहीं किया जाता तो होता यूं है कि देर इज कॉस इन द क्लासरूम। अब हमने उस क्योस से बचना है केस से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है दैट अ प्रॉपर लर्निंग टेक्निक इज फॉलोड लेकिन जहां लैक ऑफ ट्रेनिंग होगी वहां यह होगा कि देर विल बी अटर क्योर्स और जो लर्निंग मटेरियल्स हैं दे आर वेस्टेड द लेसन प्लान इज अफेक्टेड एंड द टीचर इन द एंड इज अनएबल टू अचीव हर टीचिंग टारगेट्स। तो ये बहुत जरूरी है दैट ग्रुप डायनेमिक्स आर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स वेन दे वर्क इन ग्रुप्स दे वर्क इन ग्रुप्स एज इनफॉर्म्ड बींग्स दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इसमें टीचर जो है उसको भी आसानी होती है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती और आपस में जो लड़ाई हो जाती है बाजुकात ग्रुप वर्क के दरमियान वो भी कम होती है लेकिन बात यह है कि जो इफेक्टिव ग्रुप वर्क है उसके लिए कुछ टेक्निक्स दरकार हैं सबसे पहले तो टीचर का हर वक्त अलर्ट रहना बहुत जरूरी है जब आप ग्रुप वर्क दे देते हैं तो ये बहुत जरूरी है दैट अ टीचर प्रॉपरली मॉनिटर्स ऑल द ग्रुप्स ये नहीं है कि आपने ग्रुप ग्रुपवर्क देकर आप एक टीचिंग पोजिशन के ऊपर खड़े रहें दैट इज नॉट वॉट इज रिकमेंडेड वॉट इज रिकमेंडेड इज दैट वेन यू गिव ग्रुप वर्क प्लीज कीप मॉनिटरिंग द स्टूडेंट्स कीप मॉनिटरिंग द ग्रुप वर्क दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए टीचर का हर वक्त अलर्ट होना बहुत जरूरी है इसके अलावा हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स खास तौर पर वो तालब इम जो छोटी जमातों में हैं, हम उनसे 100 परसेंट टारगेट अचीव करने की तो नहीं रख सकते सो प्लीज है फ्रॉम ग्रुप वर्क और रिजनेबल एक्सपेक्टेशन का अगेन जो दारोमदार है वो ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर होता है वॉट यू टीच टू द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ डूइंग ग्रुप वर्क सो प्लीज

अगर आपके जो है ग्रुप में मुख्तलिफ कंडीशन हैं और आपके ग्रुप में जो है वो मुख्तलिफ जो हैं कैरेक्टर्स दिए गए हैं तो हर कोई जो है हर मरतबा एक डिफरेंट किरदार अदा करे ये बहुत जरूरी है अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं समटाइम्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके अलावा द यूज ऑफ ग्रुप मेंटेनेंस एक्टिविटीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच मीन्स के जो टाइम है आपने क्या एलोकेट किया है ग्रुप के लिए और उसमें क्या एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी मेंटेनेंस कैसे हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स क्या हैं ये सब जो है ये टीचर डिटरमिन करती है और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ग्रुप वर्क के, के शुरू करने से पहले आप जितनी भी जो हैं टेक्निक्स हैं जितने किरदार उसमें आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं उनका आप पहले से तयन करें स्टूडेंट्स को बताएं सो देयर इज लेस केयर्स And successful group processes can be achieved.